आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी देश की एकता और अखंडता का पर्व मना रहा है। आज ही के दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। आज हम याद करते हैं गणतंत्र को बनाने वाले वीरों, बलिदानियों और राष्ट्र निर्माताओं को। आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी, जिसमें देश की अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की शक्ति का प्रदर्शन होगा, जमीन से आसमान तक जाबाजों के शौर्य का प्रदर्शन होगा, मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा दिखेगा और एक सशक्त भारत की तस्वीर दिखेगी। फ्लाई पास्ट में हिंदुस्तान के स्वाभिमान का आसमान भी आज दिखाई देगा। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास है। पहली बार नए कर्तव्य पथ पर परेड होगी इस बार, और फ्रंट लाइन में वीवीआईपी नहीं बल्कि श्रमयोगी बैठेंगे। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हर बार गणतंत्र दिवस की परेड में आपने आगे बैठे वीवीआईपी को देखा होगा, लेकिन इस बार श्रमयोगी मौजूद होंगे फ्रंट लाइन में, और गणतंत्र दिवस की परेड इस बार कई मायनों में खास होने वाली है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गणतंत्र दिवस देखिए अब से कुछ देर बाद यानी कि करीब सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी, लेकिन उसके पहले तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। नीरज, मैं आपका रुख कर रहा हूं, किस तरीके से खास होने वाली है आज की परेड, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और खास करके भारत का दम कैसे दिखेगा? बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि इस बार जो है जो नया कर्तव्य पथ है उस पर ये पहली बार गणतंत्र दिवस परेड जो है मनाई जा रही है, यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उसी सेंट्रल विस्टा में जिसका सौंदर्यकरण हुआ है। पहले हम लोग देखते थे जो कर्तव्य पथ राजपथ के दूसरी तरफ जो था पूरा टेम्परेरी अरेंजमेंट करना पड़ता था इस गणतंत्र दिवस परेड के लिए, आयोजन के लिए पार्किंग के लिए नई व्यवस्था बनानी पड़ती थी, जो लॉन्स होते थे उनको खुदाई करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार देखेंगे तो पार्किंग ये पूरी परमानेंट पार्किंग है जो इंडिया गेट की और कर्तव्य पथ की पार्किंग है। नई पार्किंग कोई नहीं बनाई गई है, ये पहले से ही पार्किंग बनी हुई है और यहां पर सब लोग अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं आराम से। और ये देखिए जो आपने कहा कि इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है सारा एंट्री, जैसे कि ये क्यूआर कोड के जरिए जो एंट्री कर सकते हैं, सामने वहां पर जाएंगे, ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल नीरज, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी दुनिया आज नए भारत का दम देखेगी और कुछ ही देर बाद आपको कर्तव्य पथ पर खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेगी। बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।